हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं आजकल हर एक फील्ड में कंप्यूटर के यूज़ से ही काम हो रहा है, तो कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है। इसीलिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स से क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए इस सीरीज में हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के MCQs कवर करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा MCQs ऑन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आर, ऑप्शन ए है अबैकस, बी क्लॉक, सी डिफरेंस इंजन एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा अबैकस। द वर्ड अबैकस इज डिराइव्ड फ्रॉम अबैक्स, अ वर्ड फ्रॉम ऑप्शन ए इज लेटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, एंशियंट इजिप्ट। इसका आंसर है लेटिन लैंग्वेज। अबैकस वॉज द फर्स्ट। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बी है मैकेनिकल कंप्यूटर, सी है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और डी है मैकेनिकल कैलकुलेटर। फ्रेंड्स, अबैकस पहला एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर्स, मैकेनिकल कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स तो बहुत बाद में आए हैं। लोअर डेक ऑफ एन अबैकस। फ्रेंड्स, अबैकस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये इसका पार्टीशन होता है। दिस पोर्शन इज लोअर डेक। एंड दिस इज अपर डेक। के अंदर ऐसे बीड्स होते हैं, नीचे भी कुछ बीड्स होते हैं, ऐसे ही हर एक रॉड के अंदर बीड्स होते हैं, सभी रॉड्स में बीड्स होते हैं। तो ये लोअर डेक है, इसको हम बोलते हैं अर्थ, और अपर डेक को बोलते हैं हेवन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लोअर डेक को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हेवन, स्काई, अर्थ एंड फ्लोर। इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन इज, हेवन में अर्थ से 5 times वैल्यू होती है बीड्स की। तो इसके ऑप्शन में है 1, 3, 5 और 7। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिदम इन, ऑप्शंस आर ए 1614, बी 1617, सी 1620, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ए 1614 में जॉन नेपियर ने लॉगरिदम्स का इन्वेंशन किया था। अ सेट ऑफ रॉड्स वेयर नंबर्स वर कार्व्ड एंड यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एड्स। तो इसके ऑप्शंस है पास्कलाइन, नेपियर बोन्स, स्टेप रेकनर एंड स्लाइड रूल। इसका आंसर है बी नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का स्ट्रक्चर ऐसा ही था, इसमें ऐसे सेट ऑफ रॉड्स लगी हुई थी जिनकी हेल्प से हम मल्टीप्लीकेट और जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे, कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता था, उनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे। ईच सेट ऑफ नेपियर्स बोन्स कंसिस्ट ऑफ, नेपियर बोन्स में हर एक सेट में कितने रॉड्स होते थे। ऑप्शंस आर 5, 9, 11 एंड 13। आंसर है 11 रॉड्स होते थे। Who invented slide rules? Options are A. John Napier, B. William Ottrand, C. Gottfried Leibniz, D. Blaise Pascal. इसका आंसर है B. William Ottrand. Who built the first mechanical calculator? Options are A. Joseph Mary Jacquard, B. John Moscheles, C. Blaise Pascal and D. Howard Aiken. इसका आंसर है Blaise Pascal. First mechanical calculator का नाम था Pascaline, जो ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट की थी। व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड, इसके ऑप्शन है 1617, 1620, 1642 एंड 1837। इसका आंसर है 1642 सी। व्हाट वाज द नेम ऑफ अ मैकेनिकल डिवाइस डेवलप्ड इन द 17th सेंचुरी दैट कुड एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड फाइंड स्क्वायर रूट्स।
ऑप्शंस हैं स्टेपड्रेकनर, बी पास्कलाइन, अबेकस एंड नेपियर बोन्स. इसका आंसर है स्टेपड्रेकनर, या इसको हम लिबनिज मशीन भी कहते हैं, जिसे गॉटफ्रिड लिबनिज ने इन्वेंट किया था. स्टेपड्रेकनर वॉज इन्वेंटेड बाय ए जॉन नेपियर, बी विलियम ऑड्रेड, सी गॉटफ्रिड लिबनिज और डी ब्लेज पास्कल. स्टेपड्रेकनर फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया था गॉटफ्रिड लिबनिज ने इन्वेंट की थी, इसीलिए इसको हम लिबनिज मशीन भी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय बैबेज. ऑप्शन ए है पास्कलाइन, बी है डिफरेंस इंजन, सी एनालिटिकल इंजन और डी नन ऑफ दीज. फ्रेंड्स हम जानते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की इन्वेंशन की थी चार्ल्स बैबेज ने, बट पास्कलाइन की इन्वेंशन ब्लेज पास्कल ने की थी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पास्कलाइन, क्योंकि इसमें पूछा है विच वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय बैबेज. हु इज क्रेडिटेड विद द आइडिया ऑफ यूजिंग पंच कार्ड्स टू कंट्रोल पैटर्न्स इन अ वीविंग मशीन. ऑप्शन हैं पास्कल, ऑलरिथ, बैबेज एंड जैकर्ड. इसका आंसर है जैकर्ड. पंच्ड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय. पंच कार्ड्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस पावर. ऑप्शन हैं पावर्स, पास्कल, जैकर्ड एंड हरमन हॉलरिथ. इसका आंसर है फ्रेंड्स हरमन हॉलरिथ, हु यूज्ड पंच्ड कार्ड्स प्रैक्टिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. ऑप्शन हैं चार्ल्स बैबेज, हरमन हॉलरिथ, हॉवर्ड एकिन, जोसेफ जैकर्ड. इसका आंसर है बी डॉक्टर हरमन हॉलरिथ. इन अ पंच्ड कार्ड सिस्टम डेटा इज प्रोसेस्ड बाय. ऑप्शंस हैं ए की पंच मशीन, सॉर्टर एंड पोस्टिंग मशीन. की पंच मशीन तो यूज होती है फ्रेंड्स, सॉर्टर भी यूज होता है, लेकिन पोस्टिंग मशीन नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो गलत है हमारा. नेक्स्ट है अकाउंटिंग मशीन, पोस्टिंग मशीन एंड बिलिंग मशीन, ये भी यूज नहीं होती. सॉर्टर, पोस्टिंग मशीन एंड बिलिंग मशीन, ये भी नहीं होती हैं. ऑप्शन डी है अकाउंटिंग मशीन, की पंच मशीन एंड सॉर्टर. डी इज द करेक्ट आंसर. चार्ल्स बैबेज इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स बिकॉज. ऑप्शन ए है ऑफ हिज डिफरेंस इंजन, ऑफ हिज एनालिटिकल इंजन, हिज कंसेप्ट ऑफ इनपुट मिल एंड आउटपुट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को कंसेप्ट ऑफ इनपुट मिल एंड आउटपुट के लिए कहा जाता है. मिल जो इसमें थी वो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, जैसे सीपीयू होता है हमारा. व्हेन डिड बैबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन. ऑप्शन ए 1642, बी 1837, सी 1880 एंड डी 1850. करेक्ट आंसर है 1837, बी. In 1830, Charles Babbage designed a machine called the analytical engine, which he showed at the Paris exhibition. In which year was this exhibition? Options are 1820, 1860, 1855 or 1870. Iska answer hai 1855 C. Which was the computer conceived by Babbage? Options are analytical engine, arithmetic machine, Donald Knuth, all of the above. इसका आंसर है एनालिटिकल इंजन. विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज. ऑप्शन है टेबुलेटिंग मशीन, एनालिटिकल मशीन, डिफरेंस इंजन, बोथ सी एंड डी. टेबुलेटिंग मशीन चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंट नहीं की थी, इसका आंसर हो जाएगा ए. फ्रेंड चार्ल्स बैबेज ने दो मशीन्स बनाई थी, एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन बस. चार्ल्स बैबेज वॉज अवॉर्डेड बाय रॉयल सोसाइटी फॉर हिज. ऑप्शन है डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, बाइनरी सिस्टम इन एनालिटिक इंजन, कंसेप्ट ऑफ इनपुट मिल एंड आउटपुट. इसका आंसर है फ्रेंड्स डिफरेंस इंजन. हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन. ऑप्शंस आर ब्लेज पास्कल, जॉर्ज बूल, चार्ल्स बैबेज, डॉक्टर हरमन हॉलरिथ. हम काफ़ी क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंट किए थे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following is considered first computer in the world? Options are Z3, ABC, Mark 1 and D, none of the above. Answer is C, Mark 1. When was the first electromechanical computer developed? Options are 1880, 1990, 1944, none of the above.
1944 सी इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस वाज. ऑप्शंस आर ए एनिएक, बी मार्क वन, सी एनालिटिकल इंजन, डी यूनिवैक वन. का आंसर है मार्क वन बी. हु इन्वेंटेड मार्क वन. ऑप्शंस आर ए हॉवर्ड एकिन, बी जेपी एकर्ट, सी जॉन मॉशले, डी जॉन वी एटेनसॉफ. मार्क वन वॉज इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड एकिन. ए इज द करेक्ट आंसर. मार्क वन इज ऑल्सो नोन एज. ऑप्शन ए है अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, नो. बी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटिंग कंट्रोलर, नो. सी अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर, नो. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ऑप्शन ए है मार्क वन वॉज 8 feet लॉन्ग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ऑप्शन ए है मार्क वन वॉज 8 feet लॉन्ग, रॉन्ग. मार्क वन वॉज 2 feet लॉन्ग, नो. मार्क वन वॉज 40 feet लॉन्ग, रॉन्ग. आंसर है डी, नन ऑफ द अबव. मार्क वन वॉज 5 feet लॉन्ग, 3 feet वाइड एंड 8 feet हाई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर. ऑप्शन हैं ए जेड थ्री, बी ए बी सी, सी मार्क वन और डी एनिएक. तो बिफोर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सारे कंप्यूटर्स हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स ही थे. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे. तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनिएक. ये सभी जेड थ्री, ए बी सी और मार्क वन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर. ऑप्शन है ए मार्क वन, बी ए बी सी, सी जूस एंड डी यूनिवैक. फिर से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है यूनिवैक, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है. ये सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स हैं. तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिवैक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. ए एनिएक, बी ए बी सी, सी यूनिवैक, डी एडवैक. फ्रेंड्स हम जानते हैं एनिएक, यूनिवैक और एडवैक, ये तीनों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए बी सी. व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रादर देन व्हील्स, रैचेट्स और मैकेनिकल स्विचेस. ऑप्शन है मार्क वन, ए बी सी, जेड थ्री और नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है बी ए बी सी कंप्यूटर. हु इज द इन्वेंटर ऑफ ए बी सी कंप्यूटर. ऑप्शन है जॉन वी एटेनसॉफ, बी क्लिफर्ड बेरी, सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है सी बोथ ऑफ द अबव. जॉन विंसेंट एटेनसॉफ एंड क्लिफर्ड बेरी दोनों ने एबीसी कंप्यूटर को इन्वेंट किया था. विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. ऑप्शन है एनिएक, मार्क वन, जेड थ्री और एबीसी. करेक्ट आंसर है डी एबीसी. Which of the following computer implemented binary numbers, performed calculations using electronics and implemented separate computation and memory for the first time? Option hai A Mark 1, B ABC and C Z3. Iska answer hai ABC. Why ABC is considered electromechanical computer? Option A because it was invented before electronic computers were developed. बी है बिकॉज देर आर व्हील्स, ड्रम्स, बार्स टू रोटेट एंड मूव टू प्रोड्यूस रिजल्ट. और सी है बिकॉज दे यूज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट कंपोनेंट. डी नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है फ्रेंड्स बी. एबीसी कंप्यूटर को इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि आउटपुट के लिए व्हील्स, ड्रम्स, बार्स ये सब यूज होते हैं. वाई एबीसी कंप्यूटर इज कॉल्ड सो, बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड बाय एटेनसॉफ एंड बेरी. Because it was thought to be the first computer, so named with the first alphabets of English. Both of above are reason to name the computer ABC and D is none of the above are true. Iska answer hai A. Atanasoff and Berry ne iska invention kiya tha, to unhi ke naam pe ABC computers iska naam rakha gaya hai. Which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? ऑप्शन है ए एनिएक,
बी मार्क वन, सी जेड थ्री एंड डी ए बी सी. का आंसर है ए एनियक. एनियक यूजेस ऑप्शन ए है डेसिमल नंबरिंग सिस्टम, बी ऑक्टल, सी बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इसका आंसर है ए डेसिमल नंबर सिस्टम. द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज. ऑप्शन ए है यूनिवैक, बी एडवैक, सी एनियक एंड डी ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर है फ्रेंड्स एनियक. हु डिजाइंड द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एनियक. ऑप्शन ए वॉन न्यूमन, बी जोसेफ जैकर्ड, सी जे बी एकर्ड एंड जे डब्ल्यू मॉशली, डी ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर है सी एनियक की इन्वेंशन की थी जे पी एकर्ड एंड जे डब्ल्यू मॉशली ने. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड बाय एकर्ट एंड मॉशले कॉल्ड एनियक डिड नॉट वर्क ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट. हाउ मेनी नंबर्स कुड इट स्टोर इन इट्स इंटरनल मेमोरी. ऑप्शन ए है 100, बी 20, सी 40, डी 80. इसका आंसर है बी 20. क्योंकि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट नहीं था उस टाइम पे, तो इंटरनल मेमोरी में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है. हु सजेस्टेड स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट. ऑप्शन है ए जॉन मॉशली, बी जे पी एकर्ट, सी जॉन न्यूमन एंड डी जोसेफ जैकर्ड. इसका आंसर है जॉन न्यूमन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज नॉट इन्वेंटेड बाय जे पी एकर्ट एंड जॉन मॉशली. ऑप्शन है ए एनियक, एडवैक, यूनिवैक एंड एडसेक. इसका आंसर है डी एडसेक. क्योंकि एडसेक की इन्वेंशन की थी मॉरिस विल्किस ने. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कवर कर रहे हैं ये. हु इन्वेंटेड एडसेक. ऑप्शन है ए जॉन वॉन न्यूमन, जे पी एकर्ट एंड मॉशली, सी मॉरिस विल्किस एंड डी हॉवर्ड आइकिन. तो इसका आंसर है मॉरिस विल्किस. डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरीली इन ऑप्शन ए यूएसएसआर, जापान, यूएसए एंड यूके. इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स सी यूएसए. टुडेज कंप्यूटर जाइंट आईबीएम वॉज अर्लियर नोन बाय डिफरेंट नेम विच वॉज चेंज्ड इन 1924. वॉट वॉज दैट नेम. ऑप्शन ए है टेबुलेटर मशीन कंपनी, बी कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, सी टेबुलेटर लिमिटेड, डी इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड. इसका आंसर है बी कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी. व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय हूम. ऑप्शन ए है हिलेट पैकर्ड 1980, बी इप्सन 1981, लैपलिंग ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर 1982, टैंडी मॉडल 1985. इसका आंसर है इप्सन इन 1981. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड. ए है लेडी ऑगस्टा इज द फर्स्ट प्रोग्रामर. दिस इज करेक्ट. बी एडा इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड बायरन, अ फेमस इंग्लिश पोएट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एडा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय यूएस डिफेंस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव. हु बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजिंग टेलीफोन रिलेज, लाइट बल्ब्स एंड बैटरीज. ऑप्शन है क्लॉड शैनन, बी कॉनराड जूस, सी जॉर्ज टिबिट्स एंड डी हॉवर्ड आइकिन. इसका आंसर है सी जॉर्ज स्टिबिट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट. ऑप्शन ए है यूनिवैक, बी एनियक, सी एडसेक एंड डी नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर. यूनिवैक इज. ऑप्शन ए है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ए इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉनराड जूस वॉज लॉन्ग इग्नोर्ड बिकॉज ए ही मेड द कंप्यूटर्स सीक्रेटली. नो, हिज कंप्यूटर्स वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट टुक टाइम फॉर द पीपल टू रिकॉग्नाइज इट्स पावर. नो. सी है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस बिकॉज ही वॉज जर्मन. दिस इज द करेक्ट आंसर. वॉट वॉज द निक नेम ऑफ द कंप्यूटर यूज बाय द अमेरिकन इन 1952 फॉर देयर एच बॉम्ब प्रोजेक्ट. ऑप्शन ए है एनियक, एडसैक, मैनियक एंड यूनिवैक.
सी इज द करेक्ट आंसर मैनिएक विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर एंड वेन वॉज इट इंट्रोड्यूस्ड. ऑप्शन ए है पीडीपी 1 1958, ऑप्शन बी इज आईबीएम सिस्टम बाय 36 1960, सी पीडीपी 2 1961 एंड डी वेक्स 11/780 इन 1962. इसका आंसर है पीडीपी 1 इन 1958. फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट अ माइक्रोप्रोसेसर एज अ पर्सनल कंप्यूटर. ए है आईबीएम, बी सुपर यूनिवैक, डी रेडियो शैक एंड डी डेटा जनरल कॉरपोरेशन. इसका आंसर है सी रेडियो शैक. द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय. ऑप्शन ए है आईबीएम, बी एप्पल, सी कॉम्पैक, डी एचसीएल. इसका आंसर है ए आईबीएम.